जैसे जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चोरी की वारदातें भी बढ़ती हैं, क्योंकि बेरोजगार होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। पैसा लेने के लिए किसी के घर चोरी करेंगे, डाका डालेंगे या क्राइम जैसी गतिविधियाँ होंगी। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोटी लाइन पे, और आपको बता दें कि यमुनानगर के अंदर एक मोबाइल शॉप है और उसके बाहर एसी की जो वेंटिलेटर था उसके किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाइपें जो हैं पूरी की पूरी काट ली गई हैं। यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रात के वक्त जो है कुछ युवक आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पहले तो सीसीटीवी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और सीसीटीवी तोड़ने के बाद जो है किस तरीके से दुकान के बाहर लगा हुआ जो एसी का वेंटिलेटर था उसको किस तरीके से तोड़कर उसकी पाइपें जो हैं वो यहाँ से इकट्ठी करके ले गए हैं। हमारे साथ वो दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेंगे आखिर वो क्या कहा चाहते हैं इस बारे में। भाई जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल है, क्या कुछ कहेंगे, क्या हुआ आपके पास, क्या कुछ जानकारी देंगे, कैसे पता लगा और कितना ये पाइपिंग का क्या मैटर है? सर, मेरा नाम योगेश शर्मा है, मेरी दुकान वीके मोबाइल सॉल्यूशन के नाम से है, जीएनजी रोड पर। सर, जब मैं मॉर्निंग में सुबह आया तो देखा कि एसी का ना पाइप टूटा हुआ है, तो देखा देखने से पता लगा पूरा का पूरा ही तोड़ चुका, कंप्रेशर भी उन्होंने हिला रखा है पूरा, कि कंप्रेशर भी उतारने की कोशिश की गई है। और जब देखा तो मैं सीसीटीवी में फुटेज देखा कि तीन लोग आए थे रात के टाइम, अपना होगा टाइम पौने चार बजे का टाइम होगा, मॉर्निंग के टाइम पौने चार बजे, तो उन्होंने ये सारा जो अपना अंजाम दिया उन्होंने पौने चार बजे के दिया है, और तीन लोग थे, और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज तोड़ने की भी कोशिश की, उन्होंने जैसे कैमरा लगा हुआ है उन पर पत्थर मारे हैं, दो तीन बार तोड़ने की कोशिश करे, टूट गया, लेकिन वो टूटा नहीं पूरी तरह से, और जिसके कारण उनकी रिकॉर्डिंग भी पूरी हो चुकी है। पुलिस कंप्लेंट वगैरह, पुलिस 112 पे कॉल की थी लेकिन कोई नहीं आया जी, आई नहीं, उन्होंने नंबर दिया था जी एक, उस पर कॉल की, कह रहे उस पर कॉल करो, वो कॉल करिए, उस पर भी किसी ने उठाया ही नहीं। अच्छा, तो अभी कोई भी नहीं आया जी। तो सीसीटीवी में तस्वीरें आ गई उनकी? हाँ जी, पूरी तस्वीरें आ रखी हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन, रात के वक्त कितने बजे की घटना हुई है ये? जी पौने चार बजे की है टाइम जी, पौने चार बजे की है। तो पाइपें उतार के लेके ऐसे? हाँ जी, पूरे पाइप और कंप्रेशर भी उतारने की कोशिश करी, उनसे उतरा नहीं, लेकिन सीसीटीवी तोड़ा है। हाँ जी, सीसीटीवी तोड़ने का प्रयास? हाँ जी, बिल्कुल तोड़ने का प्रयास किया जी। तो ये एसी का पाइपें कितने की बिक जाती है मार्केट में जी? उनका कितने की बिकनी है जी? उनकी 300-400 रुपये की बिक जाएंगी, हमारे को तो लेने जाना पड़ेगा तो हमें तो 3000 तक की मिलेंगी वो, और 1500-2000 रुपये की तो गैस भी डलेगी, जो गैस भी लीक होगी सारी, तो 5-6000 का तो नुकसान हो ही गया ना, और लेबर चार्ज अलग होंगे उस पर। आज उन्होंने ये तोड़ा है, कल को वो ताले तोड़ेंगे, अगर आज नहीं उनको पकड़ेंगे तो कल को आके दुकान के ताले तोड़ेंगे, जिससे हमारा माल का नुकसान भी होगा और ज़्यादा हानि हो सकती है हमें, इसलिए अभी इसको रोका जाए तो ज़्यादा बढ़िया जी। तो पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे जी, पुलिस कंप्लेंट। 112 नहीं आई आपने? 112 नहीं आई जी। दिखा सकते हैं कॉल की हुई? बस दूसरे नंबर पे ब्लॉक। आप देखते थे कि किस तरीके से 112 को भी कॉल की जाती है, लेकिन 112 जो है बताया जाता है, कितने बजे कॉल की थी आपने 112 पे? 112 पे कितनी बार की थी, पहले भी करता रहा दोपहर, वो डिस्कनेक्ट होती रहती है बार बार ना। दिखा सकते हैं इसमें डायल नंबर? इसमें नहीं होगा जी, दूसरे नंबर। ये सीसीटीवी फुटेज होगी इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर वो व्यक्ति किस तरीके से यहाँ पर सुबह के 3:30 बजे तक वो टहलते हैं, और टहलने के बाद जो है किस तरीके से यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरीके से एसी की जो पाइपिंग है उसको पूरा का पूरा काट लिया जाता है। कॉपर की जो पाइपिंग होती है जिसमें एसी चलते हैं, एसी का जो कूलिंग सिस्टम चलता है, वो पूरी की पूरी वायरिंग और पाइपिंग जो है वो उखाड़ कर यहाँ से ले जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ज़्यादा इस खबर को शेयर करें किस तरीके से यमुनानगर के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। सर्दियां हो चुकी हैं और लोग अक्सर अपने घरों में रहते हैं, और बाहर क्या शोर शराबा होता है वो नहीं सुन पाते, क्योंकि रजाइयां ओढ़कर हम लोग सोते हैं, लेकिन बाहर क्या होता है आसपास की कोई भी घटना हम जो है वो नहीं सुन पाते। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को शेयर करें और आसपास सतर्क रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अगर आपको आसपास ऐसा भी कोई संदिग्ध व्यक्ति रात के वक्त घूमता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस केंद्र में दें। HR71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।